हाय गाइस, वेलकम टू सीक्रेट ऑफ फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे चीज़ी ब्रेड। ये ब्रेड गार्लिक ब्रेड से काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, पर खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको परफेक्ट रेसिपी मिले। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यीस्ट एक्टिवेट करनी है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप हॉट वाटर लिया है। हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून शुगर लिया है, क्योंकि शुगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून यीस्ट डाल रही हूँ। एंड डोंट वरी, अगर आपको इस रेसिपी में यीस्ट नहीं यूज़ करना, तो डो बनाने के लिए मैंने यीस्ट का सब्स्टिट्यूट डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जितने यहाँ पर यीस्ट एक्टिवेट होगी, उतने में हम डो के ड्राई इंग्रीडियंट्स रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में यहाँ पे मैं 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर डाल रही हूँ, यानी मैदा डाल रही हूँ। एंड मैदा के बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर यूज़ किया है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ मैं 1 टीस्पून ऑफ ओरिगैनो डाल रही हूँ। आप मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। एंड इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड यहाँ हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ क्रश्ड गार्लिक डाल रही हूँ, पर अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, पर ये गार्लिक के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ हमारी यीस्ट एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसको मैं डो के मिक्सर में डाल लूँगी। एंड अब हम इस मिक्सर को रफली एक बार स्पून से मिक्स कर लेंगे। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं हाथ से डो को नीड कर लूँगी, पर अगर आपके पास डो मेकर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तो यहाँ मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस डो को नीड करूँगी। हमें ज़्यादा पानी नहीं इसमें यूज़ करना है, सिर्फ उतना जितने में डो ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे ना ज़्यादा हार्ड, हमें वैसा नीड करना है अपने डो को। तो यहाँ मैं अच्छे से डो को नीड कर लेती हूँ। एंड वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज़ कि नीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इस डो के लिए, तो आपको अच्छे से नीड करना है। देन यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल रही हूँ। एंड दोबारा इसे अच्छे से नीड करूँगी। ऑयल बहुत ज़रूरी है डो के अंदर जाने के लिए, सो मेक श्योर टू यूज़ इट। तो डो एकदम बनकर रेडी है, तो अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। एंड उससे पहले मैं इसे ऑयल से एक बार अच्छे से ब्रश कर लूँगी। एंड अब हमें एक डैम क्लोथ या मसलिन क्लोथ से इसको ढककर रेस्ट करने के लिए रख देना है फॉर 1 आवर। तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ रेस्ट के लिए। एंड उतने में हम बटर और गार्लिक मिक्सचर बना लेंगे, इससे हमारी ब्रेड मॉइस्ट रहेगी। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्टेड बटर लिया है, जिसमें यहाँ पे मैंने क्रश्ड गार्लिक डाली है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ऑफ ओरिगैनो डाल रही हूँ। आप मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। एंड 1/2 टीस्पून ऑफ पेपर पाउडर डाल रही हूँ। तो अब हम इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इस मिक्सर में हमने सॉल्ट इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि बटर ऑलरेडी सॉल्टी था, तो हम इस मिक्सर को साइड में रख लेंगे। एंड यहाँ 1 आवर हो चुका है और हमारा डो एकदम रेडी है। हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा डो राइज हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें डो की एयर रिमूव करनी है एंड हमें इसे लास्ट बार एक बार नीड करना है। तो यहाँ पे मैं इसे फ्लैट सरफेस पे रख के अच्छे से लास्ट टाइम नीड कर लूँगी। और यहाँ डो एकदम रेडी हो चुका है नीड होके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉर्न फ्लोर यूज़ कर रही हूँ, यानी मक्की का आटा। मक्की का आटा हमारी ब्रेड को क्रिस्प बनाएगा और बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, पर आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मक्की का आटा डो पे स्प्रिंकल कर दिया है। एंड इसके बाद आप चाहे तो इसे हाथ से भी रोल कर सकते हैं, पर वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ मैं रोलर पिन यानी बेलन की मदद से इसे रोल करूँगी। और ये जब तक पूरा अच्छे से बड़ा नहीं हो जाता हमें तब तक इसे रोल करना है। एंड हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें साइड्स पे भी ध्यान देना है, हमें सिर्फ बीच बीच में नहीं थिन करना है इस डो को, क्योंकि अगर ज़्यादा थिन कर दिया है तो डो फटने लग जाएगा।
तो हमारा डो एकदम रेडी है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं साइड में स्ट्रेच कर रही हूँ डो को, इस तरीके से हमें स्ट्रेच करना है ताकि ये ओवल हो जाए शेप में, जैसे हम देख सकते हैं। बहुत केयरफुली आपको स्ट्रेच करना है। देन हमें एकदम इक्वली डिवाइड करना है इस डो को, तो एकदम मिडल में से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। एंड इस डो से हम दो चीज़ी ब्रेड्स आराम से बना लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक ही पोर्शन यूज़ कर रही हूँ और एक चीज़ी ब्रेड बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने डो को ले लिया है एंड हम देख सकते हैं कि साइड थोड़ी थिकन है, तो हम इसे रोलिंग पिन की मदद से थोड़ी सी थिन कर लेंगे। पर अगर आपका ऑलरेडी ही पतला हो डो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करने की नहीं ज़रूरत। तो अब मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली है और इसके ऊपर यहाँ पे मैं पार्चमेंट पेपर डाल रही हूँ। आप बेकिंग ट्रे की जगह कोई भी घर की स्टील की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं। तो यहाँ हमने डो को बेकिंग ट्रे पे रख लिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने गार्लिक और बटर का मिक्सचर बनाया था वो हमें इस पर अच्छे से स्प्रेड करना है। तो यहाँ मैं इसे इक्वली हर जगह स्प्रेड कर दूँगी, बट मेक श्योर कि आप कॉर्नर्स छोड़ दें क्योंकि हमें कॉर्नर्स सील करने हैं एक दूसरे के साथ। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो मोज़रेला एंड चेडर दोनों का मिक्सचर है। आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अच्छी क्वांटिटी में यहाँ चीज़ डाला है। तो इसके बाद यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, या 1/4 टीस्पून। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं पेपर इस पर स्प्रिंकल करूँगी, वो भी आप 1/4 टीस्पून ही लें या जितना आप प्रेफर करते हो उतना डालें। एंड अब हम इसे अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अच्छे से डो को स्ट्रेच कर रहे हैं फिर सील कर रहे हैं। तो इसी वे में हमें इसे अच्छे से सील कर लेना है। आप स्पून की मदद से भी इसे सील कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है, हमें इसमें पहले से ही कट्स करने हैं। गार्लिक ब्रेड में हम बहुत कम और स्लाइट कट्स मारते हैं, पर इसमें अच्छे से हमें इसमें कट्स करने हैं, डीप कट्स, ताकि ऑलरेडी पहले ही सेपरेट हो जाए। यहाँ मैंने 8 पोर्शंस रखे हैं, पर आप जितने पोर्शंस करना चाहें उतने कर सकते हैं। एंड अब फिर से हमें इसे गार्लिक और बटर के मिक्सचर से ब्रश करना है, क्योंकि ये ब्रेड को मॉइस्ट बनाएगा और सॉफ्ट भी, एंड टेस्ट भी अच्छा देगा। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से ब्रश कर लेती हूँ। एंड अब फिर से यहाँ पे हमें इसमें चीज़ डालना है। यस, इसमें और चीज़ जाएगा। दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द गार्लिक ब्रेड एंड मोर टेस्टी। आप जितना चाहे उतना चीज़ डाल सकते हैं, ये उसको उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा, सो नो इश्यूज़। देन द फाइनल स्टेप, हम इसमें दोबारा थोड़ा सा पेपर ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। देन थोड़ी सी हम यहाँ पे ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे। एंड हमारी ब्रेड एकदम रेडी है बेक होने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे OTG में इसे बेक करूँगी, पर आप इसे कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं OTG को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर रही हूँ, वैसे ही आपको कढ़ाई को भी करना है। एंड देन मैं चीज़ी ब्रेड को 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पे बेक होने रख दूँगी, और कढ़ाई में ये ब्रेड 30 मिनट्स लेगा प्रिपेयर होने के लिए। सो आफ्टर 20 मिनट्स हमारी चीज़ी ब्रेड एकदम रेडी है, और हम देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। एंड ये रेसिपी मेरी पर्सनल फेवरेट है, एंड आई एम श्योर जब आप ट्राई करेंगे तो आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।